नमस्ते भाइयों, मैं चंदन गौतम और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है बात दिल से के। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे आपके साथ फिल्म, टीवी सीरियल्स या फिर वेब सीरीज़ इन सब को दिलाने के नाम पे कि आपको इसमें लीड रोल दिला देंगे या फिर काम करवा देंगे, इसके नाम पे आपके साथ ठगी होती है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है और कैसे कैसे आपको इनसे बच के रहना है, सारा पूरी चीज़ें बताऊँगा इसमें कि कैसे कैसे वो शुरुआत होता है, कैसे कैसे आप इसमें ठगे जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खुश हो रहे होंगे कि वाह मैं तो कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप नए नए आए होते हैं मुंबई शहर में या फिर मुंबई शहर में ना भी हो अपने शहर में हो, तो आपको एक बंदा मिलेगा जो कहता है मैं इस इंडस्ट्री में बहुत हाई लेवल का आदमी हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है, अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसे रातों रात आपको ऐसे स्टार बनवा दूंगा, आपको इस लाइन में रातों रात आप स्टार हो जाएंगे, बन जाएंगे, रातों रात आपको लॉन्च कर देंगे, कितने लेवल पर चढ़ा देंगे आपको कि आपको ऐसा फील होने लग जाएगा और आपको इमोशन मिलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं लेकिन आप बन तो सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक कमी है, छोटी सी कमी। वो छोटी सी कमी ये है कि आपके पास या तो आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए या फिर पोर्टफोलियो होना चाहिए। और अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो आपके पास, मान लीजिए आपने कहीं से बनवा रखा है कुछ, कहीं से भी, कोई सी भी किसी कंपनी से बनवा रखा है, कहीं से बनवा रखा है आपने आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो और आप दिखा देंगे कि नहीं मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो है, तो वो क्या कहेंगे, ये आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो मान्य नहीं है, मतलब ये आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, ये पुराना आर्टिस्ट कार्ड है या फिर अब नए तरीके से हो रहा है काम या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बता देगा आपको कि ये आर्टिस्ट कार्ड नहीं चलने वाला है, आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कि मैं बनवाऊंगा, जो मैं आपको बनवा के दूंगा वो वाला आर्टिस्ट कार्ड चलेगा और उससे आपका काम हो जाएगा, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है या फिर पोर्टफोलियो नहीं है, बस उस वजह से आप रह जा रहे हैं, नहीं तो आप तो शाहरुख खान से बड़े स्टार हैं, सीधी ये बात होगी, बस इतनी सी बात में आपको फंसा देंगे। और उसके बाद अगर आप फंस गए तो उनको मजे आ जाएंगे, उसके बाद फंसने के बाद आपको क्या कहेंगे, बहुत ऐसे कभी कभार होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलेंगे, आप कितना बोलेंगे 10,000, 20,000 या फिर 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 इतना अमाउंट बोलते हैं वो लोग ज़्यादातर, बहुत कभी कभार बहुत, अगर आप बहुत ही ज़्यादा गधे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके पास पैसे हैं और ये दे देगा, तब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तब बोलते हैं वो इतना अमाउंट। अगर आपको उनको शक्ल से पता चल जाता है कि उतना उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि आप कितना पैसा आपकी जेब से निकल सकता है, वो उस हिसाब से आपको अमाउंट बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि आप 10,000 तक दे देंगे, ये बंदा मेरे को 10,000 दे देगा, तो आपको बोलेंगे 10,000 लगेगा, लेकिन वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपका आर्टिस्ट कार्ड बन जाएगा और आप सीधे शाहरुख खान जितने बड़े बन जाएंगे, तुरंत सीधे शाहरुख खान की जो ये कोई सी फिल्म आ रही नेक्स्ट, उसमें आप ही होंगे, शाहरुख खान नहीं होगा, नेक्स्ट आप होंगे, सीधे आपके साथ फिर ऐसा होगा। उसके बाद वो आर्टिस्ट कार्ड बनवा के दे देगा किसी भी अर्जी फर्जी कंपनी से, 500-600 हज़ार का खुद ही आर्टिस्ट कार्ड ही बनाना होता है, कुछ नहीं करना होता, उसमें बन जाता है वो, आपको ऐसे आर्टिस्ट कार्ड बना के दे देगा और आपसे ले लेगा 10,000, 5,000, 6,000 या जितना भी आपसे ले लेगा, कुछ अमाउंट ले लेगा और आपसे बोलेगा अब आप सीधे एक्टर बन जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो करवा देगा, आप भी सेलिब्रिटी ज़्यादा फील करने लग जाएंगे, आपको पोर्टफोलियो टोलियो खिंचवा देगा, फोटो वोटो दो चार और किसी भी ऐसी लोकल कैमरामैन को पकड़ के फोटो वोटो खिंचवा देगा आपका, और आप भी सोचेंगे वाह भयंकर, वो भी आपको कैमरामैन बोलेगा सर इधर हल्का सा ऐसा पोज, ऐसा पोज, ऐसा पोज, तो आप भी खुश, आप भी सोचेंगे वाह तो भयंकर लग रहा है, मैं ही बनूंगा सेलिब्रिटी, आप आपका आर्टिस्ट कार्ड बन गया या फिर आपका पोर्टफोलियो हो गया, आप सेलिब्रिटी जैसा फील कर रहे हैं, अब पैसे उसके पास चले गए, उस बंदे के पास आपने पैसे ट्रांसफर कर दिया अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में या फिर कैश दे दिया आपने, जैसा भी किया आपने, अब उसके बाद अगला सीन ये होगा आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा वो, आपको कुछ भी नहीं करेगा, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देगा, आप कुछ भी करोगे उस बंदे को बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे, तब भी आपको बिल्कुल अवॉइड करेगा वो बंदा, बिल्कुल इग्नोर करेगा, कई बार केसेस में ऐसा होता है कि वो बंदे ब्लॉक कर देते हैं आपको, ब्लॉक कर देंगे आप ना, आपने उनका घर देखा है ना आपने उनका ऑफिस देखा है, बस आप ऐसे रोड में मिल लिए थे, अपने घर में मिले थे या किसी कैफे में मिले थे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उनका, आपके पैसे गए, अब आप फंस चुके हैं, पहला केस ये होता है। और दूसरा केस ये होता है कि अगर आपने मतलब आपने उसका ऑफिस देखा है या फिर उसको अभी उसका खुद का ऑफिस है, उसके घर चले गए हैं, वैसे तो मुश्किल से ले जाते नहीं है वो लोग, वो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे आपको अपने पर्सनल स्पेस में, बिल्कुल नहीं घुसाएंगे, आपके पूरे पर्सनल स्पेस में घुस जाएंगे लेकिन वो आपको अपने पर्सनल स्पेस में नहीं घुसने देंगे। तो अगर आप बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं भाई मुझे काम चाहिए काम चाहिए, तुमने तो ये बोला था मुझे, ऐसा बोला तुमने, पैसे लिए, तब उस केस में मतलब बहुत हद तक पीछे पड़ जाते हैं, उस केस में आपको क्या दिलवा देंगे वो, जूनियर क्राउड या फिर बहुत रेयर केस हो गया जो कि 1% होता हुआ केस, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है, तब आपको एक फीचर कास्ट दिलवा देंगे वो, और फीचर कास्ट में या फिर जूनियर मॉब क्राउड उसमें क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेटर को पकड़ लेते हैं, इतनी सबकी जान पहचान होती है, 4 महीने मुंबई आए हुए मुझे भी हो, इतनी मेरी भी जान पहचान है कि मैं भी आपको जूनियर क्राउड में भेज दूंगा, फ़ोन कर दूंगा तो आपको ले जाएंगे प्रॉपरली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी उनकी भी जान पहचान होती है कि जूनियर क्राउड में आपको भेज देंगे। और उसके बाद क्या होगा, आप जाके खुश हो जाएंगे, आप भयंकर सोच रहे हैं कि अरे मैं तो सेट पे आ गया, आपको बड़े बड़े कैमरा दिखेंगे, बड़ा सेट दिखेगा, आप सोचेंगे करोड़ों का आपको सेट दिख जाएगा जूनियर क्राउड में जाके, और आपको 2 दिन जूनियर क्राउड करके आप आ जाएंगे, 2 दिन या 1 दिन, मुश्किल से 1 दिन से ऊपर नहीं ले जाएंगे आपको, एक ही बार काम दिलवाएगा आपको, और एक बार दिलवा देगा अब आपको बोलेगा कि मैंने तो दिलवा दिया आपको काम, अब आपका हो गया, बस इतना होता है।
और यहाँ पे आप ठगे जा चुके हैं अपने पैसों के लिए। अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये दिया था, तो वो बंदा क्या करता है, आपके पैसों को पहले तो 9,000 कर लेगा अंदर, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 9,000 अंदर कर लिया उनने, खूब खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, उसका क्या करेगा, किसी कोऑर्डिनेटर को पकड़ेगा, कहेगा भाई ये तू 1,000 रुपये पकड़, इसको तू कैसे भी करके ले जा, इसको 500 रुपये तू रख लेना, 500 रुपये शाम को ये घर आएगा, इसको दे देना, कह देगा तुम्हारी आज की कमाई है, बस ये होता है आपके साथ। और उसके बाद आप सोचोगे मैंने तो जूनियर कर लिया, ये कर लिया, मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड भी है, फिर भी मुझे उसके बाद काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर आप ऐसा सोचने लग जाओगे। और फिर कुछ टाइम बाद आप किसी सही बंदे से मिलोगे और आप ये कहानी सुनाओगे उसको, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको साथ बेवकूफ़ी हुई है, आपको ठगा गया है और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है और आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दिया उसको। तब तो आपको बात कुछ नहीं होगा, अगला ऑप्शन यही होगा, क्योंकि आपके पैसे बचे नहीं होंगे, घर वाले अब आपके ऊपर भरोसा करेंगे नहीं, तो अगला आपके पास ऑप्शन यही होगा कि आप अपने वापस अपने शहर जाएं और जो कर रहे थे वो करें। और तो ये पूरा प्रोसेस रहता है और ऐसे आपको ठगा जाता है और इतना बड़ा सा प्रोसेस रहता है। उसके बाद कुछ नहीं, अगर आपके पास अंदर थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ी चीज़ें होंगी तो आप समझ जाएंगे, नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाएंगे और ऐसे आपके साथ फ्रॉड होगा। तो सबसे पहले आपके पास ये सीखने वाली बात ये है, अगर कोई भी जेन्युइन बंदा होगा इस लाइन का तो आपसे कभी भी पैसे नहीं लेगा, आपसे एक रुपये नहीं लेगा, उल्टा आपको या तो देगा वो या तो नहीं देगा, मोस्टली ऐसे केसेस में होता है आपको देगा ही, नहीं देगा वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, जब ऐसा कुछ ऐसा काम होता है तब नहीं दे रहा है वो, तब ऐसा होता है मोस्टली केसेस में, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ देगा, 300 रुपये देगा, 400 रुपये देगा, 500 रुपये देगा, अगर जूनियर क्राउड कराया उसने कुछ भी कराया तो आपको उतने रुपये देगा वो। अगर आपको बिल्कुल आपको देगा नहीं तो लेगा भी नहीं आपसे, अगर आपको इस लाइन में आप बिल्कुल रट्टा मार के रख लीजिए कि आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है, अगर एक रुपये भी मांग रहा है तो इसका मतलब समझ लो वो बिल्कुल फ्रॉड बंदा है, जेन्युइन बंदा नहीं है, तो ये लाइन आपको रट्टा मार लेनी है। तो ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने बात करी आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं इस लाइन में और आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।